अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कॉलोनिक पॉलिप्स एंड नियोप्लास्टिक डिजीजेस। इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ द कॉलोनिक पॉलिप्स एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट नियोप्लास्टिक डिजीजेस। होता क्या है कि जो नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग है ऑफ इंटेस्टाइन, उसमें से जब भी कोई प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को पॉलिप्स का नाम देने के लिए हमने दो कंडीशंस डिसाइड की हुई हैं। एक तो ये कि उसका एक नैरो स्टॉक होना चाहिए, दूसरा ये कि उसका एक डायलेटेड पोर्शन होना चाहिए, तभी उस आउटग्रोथ को हम पॉलिप्स का नाम देंगे। तो होता क्या है कि नॉर्मल जो एपिथेलियल लाइनिंग है, पहले उससे बनते हैं स्यूडो पॉलिप्स। स्यूडो पॉलिप्स क्यों कहते हैं? स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक। और वी कैन सी हियर कि प्रॉपर स्टॉक मौजूद नहीं है, प्रॉपर डायलेटेड पार्ट यहाँ मौजूद नहीं है, सो इसको हमने नाम दिया स्यूडो पॉलिप्स का। फिर आगे ये स्यूडो पॉलिप्स डिफरेंशिएट होके बनता है इनटू द पॉलिप्स, एंड देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी कि पॉलिप्स जो है आगे जाके नियोप्लास्टिक टिश्यू में बने भी सही या ना भी बने, ठीक है। और यही बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी इन द केस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, कि क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी स्यूडो पॉलिप्स बन रहे होते हैं। क्रोन्स डिजीज़ में जो स्यूडो पॉलिप्स की फॉर्मेशन है वो मॉडरेट होती है, जबकि इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस स्यूडो पॉलिप्स की फॉर्मेशन मार्क्ड होती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर ये डिजीज रहें तो फिर आगे जाके यही पॉलिप्स प्लास्टिक चेंजेस रिजल्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन द कैंसर लीजन या ट्यूमर, ठीक। तो ये होगा इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिप्स। नाउ पॉलिप्स जो है वो हमारे पास दो तरह की टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिसाइल पॉलिप्स एंड द नेक्स्ट वन इज पेडंकुलेटेड पॉलिप्स। तो सिसाइल मीन्स वो एक ऐसी चीज़ जो अपनी जगह पे फिक्स्ड हो और वो मूव ना कर सके। तो सिसाइल पॉलिप्स जो हैं उनकी क्योंकि बिल्कुल छोटी सी स्टॉक होती है, छोटी सी स्टॉक होने की वजह से ज़्यादा मूवमेंट इनकी इम्पॉसिबल नहीं होती अपनी जगह पे, तो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। जबकि पेडंकुलेटेड पॉलिप्स जो है उसके केस में जो स्टॉक होती है, इन द केस ऑफ पेडंकुलेटेड पॉलिप्स, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक। उसकी वजह से अपनी जगह पे पेडंकुलेटेड पॉलिप्स मूव कर सकते हैं, तो मूवमेंट इज़ परमिटेड इन द केस ऑफ द पेडंकुलेटेड पॉलिप्स। अब एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि पॉलिप्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं पॉलिप्स जो आगे जाके नियोप्लेसिया बनते हैं, कुछ ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो आगे जाके नियोप्लेसिया नहीं भी बनते। और लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप्स फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा कॉमन जगह जो है वो कोलोन। सो कोलोनिक पॉलिप्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वन इज़ नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। इन द केस ऑफ नियोप्लास्टिक पॉलिप्स डिस्प्लेसिया लाजमी होगा। अगर डिस्प्लेसिया जो है वो बिनाइन है, देन इट इज़ नोन एज एडिनोमास। और एडिनोमास में हमारे पास होता है फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, या एक मैलिग्नेंट फॉर्म में जो डिस्प्लेसिया होता है, मैलिग्नेंट फॉर्म में नियोप्लास्टिक टिश्यू होता है, दैट इज़ नोन एज एडिनोकार्सिनोमा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स जो कैंसरस नहीं होते। उसमें हमारे पास आते हैं इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, हेमाटोमेटस पॉलिप्स एंड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स एज द नेम इंडिकेट्स कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और इसको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। तो सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम में क्या होता है कि देयर इज द इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ एनोरेक्टल स्पिंस्टर्स। वी ऑल नो के एनोरेक्टल स्पिंस्टर्स जो हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ल्यूमिन बंद हो जाता है रेक्टम का, फीसिस आगे पास नहीं हो पाता। और जैसे कि दोनों स्पिंस्टर्स जो हैं, क्योंकि ये दोनों स्पिंस्टर्स मसल्स होते हैं, ये जैसे ही रिलैक्स करते हैं तो ल्यूमिन के अंदर जो फीसिस हैं, रेक्टम के अंदर फीसिस हैं, वो आगे एनल कैनाल में पास हो सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, इन द केस ऑफ द सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, हो क्या रहा है कि देयर इज इम्पेयर रिलैक्सेशन ऑफ एनोरेक्टल स्पिंस्टर्स, ठीक, जिसकी वजह से फीसिस जो हैं वो रेक्टम में ही रह जाते हैं और वो आगे की तरफ एनस में पास नहीं हो पाते। तो जब फीसिस जो हैं वो रेक्टम में ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पड़े पड़े हार्ड हो जाएंगे। और ये हार्ड फीसिस जो हैं फिर इनके दरमियान में और बिटवीन द वॉल्स ऑफ रेक्टम रगड़ क्रिएट होगी, ठीक। एंड द अब्रेशन बिटवीन दीज हार्ड फीसिस एंड द वॉल्स ऑफ द रेक्टम रिजल्ट इन द डैमेज टू द लाइनिंग ऑफ द रेक्टम। रेक्टम की लाइनिंग का डैमेज होगा, फिर उसकी वजह से ब्लीडिंग भी होगी, उसकी वजह से फिर अल्सरेशन भी होगी। इन्फ्लेमेशन किस तरह से होगी? वी ऑल नो कि बैक्टीरिया जो हैं वो फीसिस में मौजूद होते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मौजूद फीसिस में बैक्टीरिया जो हैं दे
वुड रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द रेक्टम, और जब इन्फ्लेमेशन होगी इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, तो वो पॉलिप्स जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बन जाते हैं दैट आर नोन एज इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स। तो सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम जो है इसके अंदर हमें तीन चीज़ों का ट्रायड मिलता है, एक तो रेक्टल ब्लीडिंग, दूसरा रेक्टल अल्सर और तीसरा इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। ठीक, तो ये बात हो गई अबाउट द इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेमाटोमेटस पॉलिप्स, हेमाटोमेटस पॉलिप्स कुछ ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो रिजेंबल तो करते हैं विद द ट्यूमर, ट्यूमर लाइक इनकी अपेयरेंस होती हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली ट्यूमर, इनके अंदर मैच्योर नॉर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। फ़र्क कितना है कि वो मैच्योर नॉर्मल सेल्स, और तो एक सेल नॉर्मल है लेकिन उन सेल की अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, उसकी वजह से ये ट्यूमर से रिजेंबल कर रहे होते हैं। अब हेमाटोमेटस पॉलिप्स के अंदर हमारे पास आके दो तरह की प्रोमिनेंट डिजीजेज आती हैं, वन इज़ जुवेनाइल पॉलिपोसिस एंड द अदर वन इज़ प्यूज जैगर सिंड्रोम। तो पहले हम देख लेते हैं जुवेनाइल पॉलिपोसिस को। जुवेनाइल पॉलिपोसिस एज द नेम इंडिकेट्स कि जुवेनाइल है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अक्सर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा नज़र आती है। और जुवेनाइल पॉलिपोसिस जो है वो दो तरह की होती हैं, या तो वो फैमिलियल हो सकती हैं या तो वो स्पोरेडिक हो सकती हैं। अगर वो फैमिलियल हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी जीन में म्यूटेशन है और वही म्यूटेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, ठीक, इसलिए हम उसे फैमिलियल लेबल करते हैं। इन कौन सी म्यूटेशन है, इसमें एक्चुअली दो तरह की जीन्स की म्यूटेशन होती हैं, एक है SMAD4 जीन और दूसरी BMPRIA जीन। दोनों जीन का क्या फंक्शन होता है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द वेरियस पाथवे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ठीक, तो इन दोनों जीन्स का क्या फंक्शन होता है, डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एक ऐसी जीन है जो सेलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करती है। तो अगर इन दोनों जीन्स में ही म्यूटेशन आ जाएगी तो इनका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर की वैसी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से सेलर प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी, हद से ज़्यादा हो जाएगी। और जब सेलुलर प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जुवेनाइल पॉलिपोसिस। अब दूसरी जो जुवेनाइल पॉलिपोसिस की हमारे पास टाइप मौजूद है वो है स्पोरेटिक, ठीक है, एक ऐसा पॉलिप जो एक्वायर किया जाता है, ठीक है। अब जुवेनाइल पॉलिपोसिस के केस में अक्सर क्या होता है कि ये जो है पॉलिप ये रिजेंबल कर रहा होता है, इस ये पॉलिप रिजेंबल कर रहा होता है विद द इन्फ्लेमेटरी लीजेंस, ठीक है, कि इस केस में आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी मुख्तलिफ तरह के देखने को मिलेंगे, मुख्तलिफ तरह की सिस्टिक डाइलेशंस भी देखने को मिलेगी। हियर वी कैन सी द वेरियस इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मजीद इसमें हमें सेलर डेब्रिस भी देखने को मिलती है। एंड हियर वी कैन सी द वेरियस सिस्टिक लीजेंस इन द केस ऑफ द जुवेनाइल पॉलिपोसिस। अब यहाँ तक तो बात हो गई जुवेनाइल पॉलिपोसिस की, अब ये जुवेनाइल पॉलिपोसिस जानलेवा किस तरह से बन सकती है, ठीक। तो जुवेनाइल पॉलिपोसिस के लिए हम रेक्टम वाली डायग्राम पे वापस चलते हैं, ठीक। अब जब तक जुवेनाइल पॉलिपोसिस जो है ये वाला पॉलिप एक ही जगह पे रहेगा, इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है फॉर द ग्रोथ दैट इज़ रेक्टम, ठीक है। अब रेक्टम के अंदर ये ग्रो हो रहा है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ग्रो होते 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 बाहर की तरफ निकल आए, ठीक। और जब जुवेनाइल पॉलिप का प्रोलैप्स होगा कि वो रेक्टम से बाहर प्रोट्यूड होना शुरू हो जाएगा, तब ये ब्लीडिंग भी कॉज करेगा क्योंकि ये रेजिडुअल सेल्स पे ट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है रेजिडुअल सेल्स पे, जिसकी वजह से रेजिडुअल सेल्स का डैमेज होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग भी होगी, उसकी वजह से अल्सरेशन भी होगी, और उसकी वजह से इसी साइट पे चांस फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द कैंसर या न्योप्लेसिया बढ़ जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे रेक्टम में न्योप्लेसिया होगा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के कोलोन में भी न्योप्लेसिया हो जाए, मुख्तलिफ एरियाज में भी न्योप्लेसिया हो जाए, ठीक। तो ये बात हो गई हेमाटोमेटस पॉलिप्स की। अब एक और बात है कि हेमाटोमेटस पॉलिप्स जो है उसके केस में सिर्फ आपको फाइंडिंग्स कोलोन में या रेक्टम में नहीं मिलती, उसमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी फाइंडिंग्स मिलती हैं। कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं जो जीएलटी के अंदर होती हैं और कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं जो जीएलटी के बाहर होती हैं, कि जुवेनाइल पॉलिप्स जो है आपको रेक्टम या कोलोन के अलावा नज़र आ सकते हैं इन द स्टमक, नज़र आ सकता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नज़र आ सकता है इन द पेनक्रियास, ठीक है। और इसी वजह से इन एरियाज़ का जो है एडिनोकार्सिनोमा, इन एरियाज़ में एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं।
मार्टोमेटस पॉलिप्स की ना एक और इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि GIT के अलावा इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलती हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब कि इंटेस्टाइन से बाहर क्या फाइंडिंग नज़र आएगी वो, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है कि पल्मोनरी एट्रियोवीनस मेल फॉर्मेशंस होगी, डिजिटल फिंगर्स की क्लबिंग भी होगी। तो ये बात हो गई अबाउट द जुवेनाइल पॉलीपोसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगली टाइप, दैट इज़ प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। तो प्यूट्स जैगर सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि इन द केस ऑफ प्यूट्स जैगर सिंड्रोम एक जीन में डिफेक्ट आ सकता है। वो जीन क्या है? LKB1STK11 जीन। और इस जीन का क्या काम होता है? ये जीन इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन काइनेज। इस जीन में म्यूटेशन आ जाएगी तो आगे जाके ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन काइनेज नहीं बन सकेगा। आगे जाके ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन काइनेज नहीं बन सकेगा तो फिर वो ट्यूमर सप्रेसर का क्या काम होता है कि वो सेलुलर ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो सेलुलर ग्रोथ जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। तो सेल तो जो है विदाउट एनी लिमिटेशन ग्रो होता चला जाएगा एंड देयर वुड रीच अ पॉइंट कि सेल जो है वो कैंसरस फॉर्म इख्तियार कर ले, ठीक। तो इस केस में मजीद इन द केस ऑफ द प्यूट्स जैगर सिंड्रोम मुख्तलिफ तरह की म्यूकोक्यूटेनियस डेपोजिशंस देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ तरह की म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशंस देखने को मिलती हैं। प्यूट्स जैगर सिंड्रोम में जो पॉलिप्स नज़र आते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि उसमें आर्बोराइजिंग नेटवर्क होता है। आर्बोराइजिंग मीन्स कि ट्री लाइक हो, नेटवर्क हो, ठीक है। नेटवर्क किस चीज़ का? स्मूथ मसल्स का भी नज़र आएगा, कनेक्टिव टिश्यू का भी नज़र आएगा। हेयर वी कैन सी द कनेक्टिव टिश्यू, हेयर वी कैन सी द वेरियस स्मूथ मसल्स, मोस्टली तरह का लेमिना प्रोप्रिया का नेटवर्क भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं दे रिजल्ट इन द आर्बोराइजिंग नेटवर्क इन द प्यूट्स जैगर्स पॉलिप्स, ठीक। अब यहाँ तक हमने बात कर ली अबाउट द प्यूट्स जैगर्स पॉलिप्स। अब अगली टाइप जो है दैट इज़ हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स। हाइपरप्लेसिया एज द नेम इंडिकेट्स, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स उस केस में डेवलप होंगे जब नॉर्मल स्लफिंग ऑफ एपिथीलियम जो है वो या तो रुक जाएगी या तो कम हो जाएगी। उस केस में जब एपिथीलियम को स्लफ्ड ऑफ करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बचेगा तो सेल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे और होते चले जाएंगे, ठीक। उसकी वजह से एक आउट ग्रोथ बनेगी जिसको हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। अब एपिथीलियल सेल्स स्लफ्ड ऑफ नहीं हो रहे तो एपिथीलियल सेल्स की क्राउडिंग देखने को मिलेगी हमें इन द केस ऑफ द हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स, ठीक। मजीद जो है हमें इन द केस ऑफ हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स ज़्यादा गोबलेट सेल्स नज़र आएंगे और टफ्ट लाइक एपिथीलियल सेल्स नज़र आएंगे। एक जो प्रोमिनेंट फीचर है इन द केस ऑफ हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की इसके में जो सर्फिस होगी ऑफ द यूटंक्युलेटेड पॉलिप्स वो सीरेटेड होगी। सीरेटेड मीन्स सो लाइक, ठीक है। तो वो सीरेटेड होगी और उन्हीं सीरेशंस की बुनियाद पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स को। और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की कॉमन तरीन साइट है डैट इज़ लेफ्ट पार्ट ऑफ द कोलोन। ये लेफ्ट पार्ट में ज़्यादा डोमिनेट होती है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। अगेन इसको भी कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है ये आगे जाके कैंसरस मैस बन जाए। सो हेयर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ द नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। अब नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स की टर्म मैंने यहाँ पर यूज़ तो की है, इसका मतलब ये है कि ये वो पॉलिप्स हैं जो कैंसर होते नहीं हैं लेकिन प्रोबेबली अगर इनको चेक एंड बैलेंस इन पर ना रखा जाए, वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो एक लंबे अरसे की डिजीज़ के बाद ही आगे जाके कैंसर या नियोप्लेसिया बन सकते हैं। जबकि नियोप्लास्टिक पॉलिप्स वो होते हैं जिनमें शुरू से ही डिस्प्लेसिया मौजूद होता है। सो इन दिस लेक्चर वी कंप्लीटेड अ टॉपिक ऑफ कॉलोनिक पॉलिप्स, उसमें हमने कंप्लीट कर लिए नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ द नियोप्लास्टिक पॉलिप्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।